यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ दौरे पर हैं। वो सठियाव में चीनी मिल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव आजमगढ़ को 38 योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, तो कुल 553 करोड़ की इन योजनाओं में सठियाव चीनी मिल, जिला कारागार, ट्रॉमा सेंटर, राजकीय बालिका विद्यालय जैसे मुख्य रूप से कई बातें शामिल है। आपको बता दें कि आजमगढ़ से एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सांसद हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है। तो मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र, जिसको एक बड़ी सौगात दी जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, सठियाव में चीनी मिल को के लिए वो पहुंचे हैं। तो इसके अलावा जिला कारागार, ट्रॉमा सेंटर, राजकीय विद्यालय मुख्य रूप से शामिल है इन योजनाओं में। तो ये 38 योजनाएं हैं जिनको आजमगढ़ के लोगों के लिए खास तौर पे सौगात के तौर पर दिया जा रहा है। 553 करोड़ की कुल मिलाकर ये सभी योजनाएं हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं चीनी मिल के साथ जरूर उठ रही है, क्योंकि प्रदेश में चीनी मिलों का हाल पहले से ही बहुत बदहाल है। चीनी मिलों पर किसानों के हजारों करोड़ रुपए बकाया है, वो नहीं पूरे दिए जा पाए हैं। ऐसे में क्या ये चीनी मिल किसानों की स्थिति को बदल पाएगी?